नूरपुर के विधायक क्षेत्र की समस्याओं को उठाने की बजाय अन्य विधानसभा क्षेत्रों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर विधानसभा सत्र में तो उठाते हैं, लेकिन नूरपुर क्षेत्र के हजारों लोग जो कि फोर लेन के चलते विस्थापित होने पर मजबूर हैं, उनकी समस्या को स्थानीय विधायक राकेश पठानिया ने एक बार भी नहीं उठाया है। इसको लेकर स्थानीय जनता में काफी रोष है। ये आरोप नूरपुर के पूर्व विधायक अजय महाजन ने लगाया। पूर्व विधायक अजय महाजन ने प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को लिखे पत्र में मांग करते हुए कहा कि 28 फरवरी को नूरपुर के विधायक राकेश पठानिया की मांग पर परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने जसूर में जांच में बस अड्डा बनाने और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए औचक निरीक्षण किया था और इस दौरान उन्होंने प्रथम चरण में 50 लाख की राशि देने की घोषणा भी की थी और मुख्यमंत्री द्वारा भी 2 मार्च के नूरपुर दौरे के दौरान चौगान में उक्त बस स्टैंड सहित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की घोषणा को दोहराया था, जो कि स्वागत योग्य है। महाजन ने मुख्यमंत्री से आग्रह करते हुए कहा कि नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के कंडवाल से जोटा तक के हजारों परिवार जिनके कारोबारी संस्थान व निजी मकान फोरलेन की चपेट में आ रहे हैं, प्रदेश सरकार ऐसे लोगों को जसूर के नजदीक जांच में बनने वाले बस स्टैंड में प्रस्तावित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जिसमें प्रथम चरण में 100 व्यवसायिक परिसर भी बनाए जाने की बात कही गई है। प्रदेश सरकार बस अड्डे व शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को प्राथमिकता में शामिल कर शीघ्र निर्माण कराए ताकि फोर लेन से उजड़ने वालों को यहां कारोबार करने के लिए जगह मिल सके और उन्हें एक एक दुकान देकर रोजगार चलाने का अवसर भी मिल सके। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग करते हुए कहा कि फोर लेन के 28 मीटर भूमि का ही अधिग्रहण किया जाए और प्रभावितों की राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ लगती बहुमूल्य भूमि को व्यवसायिक क्षेत्र में रखकर 7.5 लाख प्रति मरला के हिसाब से मुआवजा दिया जाए ताकि प्रभावित लोग आसानी से दूसरी जगह स्थापित हो सके। पूर्व विधायक अजय महाजन ने कहा कि नूरपुर के हजारों परिवार के साथ साथ उनका परिवार की जमीन व कारोबारी परिसर भी फोर लेन की चपेट में आ रहा है, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि वे ऐसा कोई इच्छा नहीं रखते हैं कि उन्हें भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में कोई दुकान मिले, बल्कि उनके हिस्से की दुकान भी किसी अन्य प्रभावित को दी जाए। उन्होंने कहा कि फोर लेन बनने से पहले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाए और फोर लेन प्रभावितों के दर्द को समझते हुए उन्हें एक एक दुकान प्रदान की जाए। नूरपुर में के थ्रू एनएच बनने जा रहा है, NH 154, और उसमें अनेकों लोग उतरने जा रहे हैं और हमने इस मुद्दे के ऊपर सरकार से SGM साहब के माध्यम से, TC साहब के माध्यम से आग्रह किया है कि इन लोगों को उचित मुआवजा मिले, कि ये जो लोग अपने घरों से उजड़ेंगे, अपने जो बिजनेस से उजड़ेंगे, उनको दोबारा सेटल होने का मौका मिले। और उसमें हमने कहा था कि सबसे कम से कम 7.5 लाख रुपए मरला इनको मुआवजा मिले, जिसको और फैक्टर 2 अप्लाई हो कि 4 गुना उसका पैसा मिल जाए। और उसके अलावा जो बिजनेस डिस्प्लेसमेंट होने जा रही है, उन लोगों को एक डिस्प्लेसमेंट अलाउंस मिले, जो बिल्डिंग के तो पैसे मिले पर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट अलाउंस मिले। इसी संदर्भ में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को एक पत्र लिखा है और हमारे जो लोग जो विस्थापित होने जा रहे हैं, हमारे भाई, उनकी भावनाएं मैंने उनको प्रकट की हैं कि जब वो 3 मार्च को यहां पे आए थे, उन्होंने एक अनाउंसमेंट को दोहराया था कि उसे 2 दिन पहले गोविंद ठाकुर जी जो माननीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है वो नूरपुर में आए थे और यहाँ के जो विधायक है माननीय राकेश पठानिया जी, उनकी अनाउंसमेंट को उन्होंने दोहराया था और कहा था कि जांच में एक जो बहुत पुरानी एक HRTC वर्कशॉप है, इसको डिसमेंटल करके यहाँ पे एक बहुत आधुनिक बस स्टैंड बनने जा रहा है और 200 दुकानें बनेंगी, और उसके लिए उन्होंने 50 लाख रुपया उस दिन अनाउंस किया था, रिलीज कर दिया। और इसी अनाउंसमेंट को 3 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने चौगान बाजार में अपने संबोधन में
इस अनाउंसमेंट को फिर दोहराया और कहा कि यहां पे ये आधुनिक बस स्टैंड बनने जा रहा है, दुकानें 200 बनेंगी और 50 लाख रुपया रिलीज कर दिया गया। मैं सिर्फ ये आग्रह करना चाहता हूं कि जो हमारे इतने लोग विस्थापित होने जा रहे हैं, ये जो 200 दुकानें बनने जा रही हैं, प्राथमिकता के तौर पे ये जो विस्थापित लोग हैं इनको वहां दुकानें मिलनी चाहिए कि अपना वो रोजी रोटी चला सके और जल्द इनको लौट कर देनी चाहिए और जल्द से जल्द ये मार्केट भी बन जाए और बस स्टैंड भी बन जाए। क्योंकि 2 महीने तक ये जो सेक्शन 3 के अंदर हेयरिंग शुरू हो गई है और खत्म होने जा रही है, पर मेरे ख्याल 2 महीने के बाद नोटिस मिल जाएंगे अपने सारे उखाड़ने के लिए जो बिजनेस प्रेमिसेस हैं। तो ये जो दुकानें हैं, ये 200 जो इन्होंने प्रस्तावित की हुई हैं, ये इमीडिएटली ये इनको अलॉट की जाए और यहाँ पे एक नोटिफिकेशन की जाए कि ये जो हमारी ये फर्स्ट फेज उन्होंने कहा था, तो अगर कुछ लोग बच जाते हैं तो उनको सेकंड फेज में मिल जाए। और इसके अलावा भी जो लोग हैं, नौजवान जो हैं, बेरोजगार नौजवान साथी हैं, उनको भी वहां दुकानें मिले। तो इसको आज मैंने आग्रह किया है माननीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी के माध्यम से, और मैं मतलब ये समझता हूं कि क्योंकि अगर वो हितैषी हैं नूरपुर के लोगों के, हमारी जनता के, तो वो जल्द से जल्द ये इसकी अनाउंसमेंट कर देंगे। और दूसरी एक और बात है कि यहाँ के जो माननीय विधायक हैं, जो नूरपुर की जनता ने उनको चुन के भेजा था, पीछे असेंबली सेशन हुआ और 2 अंडर 62 रूल के अंदर ये बहुत, आपने एक अच्छा सवाल कहा, मैंने पब्लिकली मैं आपके माध्यम से अनाउंस करना चाहता हूं, मेरे ये 3 हमारे परिवार के बंदे जो सदस्य अफेक्ट हो रहे हैं और हमें कोई दुकान नहीं चाहिए। हमारे बदले हमारे जो और कोई साथी एडजस्ट हो जाएं तो बहुत अच्छी बात होगी, बहुत क्लियर है। अगर हमें कोई देना भी चाहेगा दुकान, हम नहीं लेंगे। और ये जो दुकानें जो हैं, ये जो और जो हमारे साथी हैं, जो जिनको जो अफेक्टेड बंदे होंगे उनको मिलनी चाहिए। अगला मुद्दा जो जिसकी बात मैं करना चाहता हूँ, एक बहुत दुख की बात है, पीछे असेंबली सेशन खत्म हुआ और यहाँ के जो इलेक्टेड एमएलए साहब हैं और जिनको नूरपुर के लोगों ने जिता के भेजा इस उम्मीद से कि वो उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं असेंबली में वो मुद्दे उठाए जाएंगे, सेक्शन 62 पॉइंट के ऊपर जो एक कॉल एंड एक्शन मोशन होता है रूल 62 के अंतर्गत, 2 कॉल एंड एक्शन मोशन हुई जिसमें एक टांडा के बारे में हुई और दूसरा डमटाल के बारे में हुई। और जो नूरपुर का एक बर्निंग इशू है जहां पे लोग आज के रात में लोगों को नींद नहीं आ रही, बच्चों को समझ नहीं आ रही क्या होने जा रहा है, उनके परिवारों को एक ऐसा माहौल बना हुआ है, डर का माहौल बना हुआ है, उसके बारे में एक बार ही नहीं उठाया। और उससे दुख की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी यहां पे आए और ये यहां के स्थानीय विधायक जी ने कहा था कि ये जो इतना बर्निंग इशू है इसको मैं स्टेज के ऊपर मैं मुख्यमंत्री जी से के थ्रू खिलाऊंगा और जो हमारे ये लोग हैं अफेक्टेड बंदे हैं उनका मैं मुद्दा उठाऊंगा। उन्होंने कहीं भी इसका जिक्र नहीं किया, तो कहीं ना कहीं हमें इसकी बात की टीस है।